नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टॉपर नोट्स के बीपीएससी के बिहार लोक सेवा आयोग के जीएस पेपर भाग ए के भारत और बिहार का प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास के बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, इस नोट्स के बारे में पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, ये कंप्लीट सेट आपको देखने को मिल जाएगा 3200 रुपये में ऑनलाइन ऑफलाइन, आप दोस्तों ऑनलाइन ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिलहाल हमारे पास हिंदी मीडियम का बुक है, आप चाहें तो इस सेम नोट्स को इंग्लिश मीडियम में भी ले सकते हैं सेम प्राइस पे। ठीक है, टोटल आपको 11 बुक देखने को मिलेंगे जिसमें जीएस पेपर भाग एक में 4 पार्ट आपको देखने को मिलेगा और जीएस पेपर टू में आपको 6 पार्ट आपको देखने को मिलेगा। एक हिंदी निबंध है और हिंदी ग्रामर का एक अलग से बुक आपको देखने को मिल जाएगा सामान्य हिंदी का। फिलहाल दोस्तों हम इस बुक के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे जीएस पेपर भाग एक में आपको भारत और बिहार का प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास देखने को मिलेगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और इससे जो नोट्स को दोस्तों जो बीपीएससी के टॉपर्स होते हैं और जो एक्सपर्ट टीचर होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बनाया गया दोस्तों, आपके एग्जाम को फोकस में रख के, मतलब फोकस स्टडी मटेरियल आपको इनके नोट्स में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों इस नोट्स में आप देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर किया जाता है और ये सामान्य अध्ययन पेपर वन भाग एक ये नोट्स है। ठीक है, भारत और बिहार का प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास है। हम अंदर के कंटेंट को देखते हैं दोस्तों और ये जो नोट्स है दोस्तों टॉपर नोट्स है। ठीक है, इनका एक अलग वेबसाइट है टॉपर नोट्स के नाम से, जहाँ पे आप इस बुक के बारे में जान सकते हैं और इस बुक का पीडीएफ सैंपल भी ले सकते हैं, 15 से 20 पेज का आपको सैंपल मिल जाएगा। हालांकि मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इन सारे बुक का पीडीएफ सैंपल आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इस बुक को देखते हैं तो पेपर वन भाग एक है, भारत और बिहार का प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पाषाण युग है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग है, जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है, उसके बाद बिहार और महाजनपद, उसके बाद दोस्तों देखिए मौर्य साम्राज्य, मुरुत्तर काल, संगम युग, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे पूर्व मध्यकालीन भारत, उसके बाद चोल साम्राज्य, संघर्ष की आयु, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर और बहमानी साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, उसके बाद दोस्तों मराठा साम्राज्य, अन्य क्षेत्रीय राज्य, मध्यकाल में धार्मिक आंदोलन, बिहार की कला एवं संस्कृति। ठीक है, कुल मिला के आपको 195 से ज़्यादा पेज देखने को मिलने वाला है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 202 पेज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों आप देखते हैं कंटेंट क्या है, 20 अध्याय में कवर किया गया है। कंटेंट देखने से पहले दोस्तों इनके ऐप के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है, इनके ऐप पे आप चले जाएंगे, डाउनलोड हो जाएगा इनके ऐप पे, वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ठीक है, और एडिशनल आपको लेक्चर देखने को मिल जाएगा, बीपीएससी एग्जाम के बारे में जानकारी देखने को मिलेगा, एग्जाम वाइज जानकारी देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इनके ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इस बुक के अंदर भी आपको क्यूआर कोड आपको देखने को मिलेगा जिसका स्कैन करके आप इनके वीडियो लेक्चर भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखेंगे सबसे पहला जो एक्सरसाइज है, पहला चैप्टर है, वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत को बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से क्लासिफाई किया गया है और बहुत ही शानदार तरीके से एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में समझाया गया है। ठीक है, प्रिंटिंग क्वालिटी और पेपर क्वालिटी इस नोट्स का काफ़ी ज़्यादा बेहतर है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ताम्र पात्र को समझाया गया, पॉइंट में समझाया गया बहुत ही शानदार तरीके से। इनके नोट्स को देखने के बाद आपको अलग से नोट्स नहीं बनाना होगा, इनके नोट्स से आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से काफ़ी कम समय में रिविजन भी कर सकते हैं। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हर एक टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने समझाया हुआ है। ठीक है ना, अब दोस्तों अगला अध्याय पाषाण युग हो जाएगा। पाषाण युग में पहले बेसिक जानकारी आपको देखने को मिलेगा, फिर मैप के द्वारा समझाया गया है, फिर इंपॉर्टेंट टेबल आपको देखने को मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जगह जगह आपको मैप देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से इस नोट्स को तैयार किया गया और काफ़ी सिंपल बनाया गया, काफ़ी ईजी बनाया गया, आप आसानी से बिना कोई क्लास के इनके नोट्स से आप बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और पॉइंट टू पॉइंट आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी। अगला एक्सरसाइज दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता, देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से फिगर के माध्यम से समझाया गया है, यहाँ पे टेबल के माध्यम से टॉपिक को समझाया गया है। ठीक है, क्लासिफाई किया गया है, माइंड मैप आपको देखने को मिल जाएगा, ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों और नोट्स के जैसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉपिक को खींचा नहीं गया है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं सब चीज़ को यहाँ शामिल किया गया, पॉइंट टू पॉइंट आपको जानकारी देखने को मिलेगा, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है
और बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिक को यहाँ पे सजा के दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म को। तो सबसे पहले यहाँ पे गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया, उनके पूरे जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ थ्योरी भी दिया गया है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हो गए, इसे क्लासिफाई करके समझाया गया है, फिगर के माध्यम से समझाया गया है, माइंड मैप के माध्यम से समझाया गया है, मैप आपको देखने को मिलेगा, सारा कुछ आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है। बहुत ही सिंपल बनाया गया है सब्जेक्ट को, हर एक सब्जेक्ट आप इसी तरह से देखेंगे, बहुत ही सिंपल यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, आगे हम दोस्तों देखते हैं, इसी तरह से आपको सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। ये अगला बुक, अगला जो टॉपिक है दोस्तों, चैप्टर नंबर 12 है, पूर्व मध्यकालीन भारत। अब यहाँ देखिए मध्यकालीन युग को समझाया गया है, फिर उसके बाद पूर्व मध्यकालीन भारत में क्या क्या हुआ उसको समझाया गया है, भारतीय सामंतवाद को समझाया गया है, उसके बाद दोस्तों सामंतवाद के दौरान भारत का समाज किस तरह से गया था तो यहाँ फिगर के माध्यम से समझाया गया है, महिलाओं की स्थिति को समझाया गया है। बहुत ज़्यादा टॉपिक को खींचा नहीं गया है, एकदम मैं शॉर्ट में टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रख के इस बुक को डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये एक तरह का नोट्स है जिसको आप अंत समय में आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, और इसे लेने के बाद आपको कोई और अदर बुक आपको स्टडी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस बुक में सारा जानकारी आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, मैप दोस्तों देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लियर है, जगह जगह आपको मैप देखने को मिलेगा, मैप के माध्यम से समझाया गया है, और टॉपिक दोस्तों देख सकते हैं कितने शॉर्ट में और कितने बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। ठीक है, ये एक प्रकार का नोट्स है जिससे आप कंप्लीट नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, और इस एग्जाम बीपीएससी की तैयारी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनके नोट्स के माध्यम से कर सकते हैं। मुगलों के बाद के क्षेत्र के बारे में बताया गया है, सारा कुछ आपको जानकारी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये टॉपर्स नोट्स है दोस्तों, बहमानी सल्तनत हो गया, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, और प्रिंटिंग क्वालिटी और पेपर क्वालिटी तो आप दोस्तों देख रहे हैं कितना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी टॉपिक को इस बुक में आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, और आपको अलग से कोई भी बुक आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बुक से आप कंप्लीट टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये जो बुक है दोस्तों प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। ठीक है ना, तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं टॉपर नोट्स के, और वहाँ पे आप इसे सीओडी कर सकते हैं, मतलब कैश ऑन डिलीवरी भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसे मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट 11 बुक का ये सीरीज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये बुकें मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। हाँ सर, करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।